यार सब्सक्राइब करो ना चैनल को। मन बड़ी ही विचित्र कृति है ये मन, शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। अब यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति उसकी वनो उपवनों की इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने के लिए सज्ज रहता है। परंतु जीवन सुखद हो इसके लिए आवश्यक है कि मन खाली हो। इस बांसुरी की भांति भीतर कुछ भी नहीं, न राग है न द्वेष, तब भी तार छेड़ने पर स्वर निकलता है। इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। मरण रखिए, मन में कुछ भर के जियोगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे। राधे राधे। जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया है। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बनकर सामने आता है तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए तो कभी पराजय टालने के लिए, किंतु वास्तविकता तो यही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा। परंतु युद्ध के लिए सज्ज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है ये समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है, क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए। आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लो किंतु अपना बल खो दो। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालो, इस शक्ति को संग्रहित रखो ताकि जब ये युद्ध धर्म बन के सामने आए आप उससे पूरे बल के साथ लड़ सको। राधे राधे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र की, कुछ कहेंगे शास्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की, किंतु ये सब अधूरे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपको राह दिखाएगी। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकालेगी। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं मित्रता कमाओ। और स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्र बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह कर, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध हो, या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है नियति ने यह संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होता है। क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ? लाभ है, क्योंकि जो बांटता है वो मिटता नहीं। जो फल ये जीव खाते हैं वो
वो उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती। इसलिए स्मरण रखिएगा, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। राधे राधे। भय, भय सबको होता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य। वास्तविकता में मनुष्य भय को अपने साथ लेके ही जन्म लेता है। तो इस भय से भय कैसा? यदि भय बुरा भाव होता तो क्या इसे हम अपने साथ लेके जन्म लेते? वास्तविकता में भय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, जीवन जाने का भय आपसे स्वयं की सुरक्षा करवाने का प्रयास करता है। अपमान का भय सदाचार की ओर बढ़ाता है। किसी प्रिय को खो देने का भय उसके लिए कर्तव्य पालन करने को प्रेरित करता है। किंतु यह भय बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना है, आपको स्वयं इस भय के ऊपर हावी हो जाना होगा। तो तोड़ दीजिए भय की सीमाएं, अपनी आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष सर मत झुकाइए। और स्मरण रखिए, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओगे। राधे राधे। प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, पर सच पूछो तो ये बंधन से मुक्ति है, स्वतंत्रता है। नहीं समझे? समझाता हूं। यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, यदि कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए तो क्या होगा? कुछ उदास हो जाएंगे, कुछ छल करके प्रेम पाना चाहेंगे, तो कुछ बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार करना चाहेंगे। किंतु यह आवश्यक नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है, न राज्य है, न धन जिसे आप बल से अपने वश में कर सको। प्रेम वो शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है, किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं फंसती। तो जिससे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ में आए। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए, स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम आ ही जाएगा, और मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। कितना सुंदर प्रतिबिंब है, इसका कारण क्या है? मेरा रूप सुंदर है या ये जल स्वच्छ है? नहीं, ये जल स्थिर है, शांत है। अंतर देख रहे हैं आप? वही जल है, वही रूप है, किंतु ये स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, और इसी कारण मैं अपना प्रतिबिंब इसमें नहीं देख पा रहा। क्रोध के साथ भी यही होता है। यदि आप स्थिर हैं, शांत हैं, तो आप आपकी आत्मा को देख, सुन
और समझ पाओगे, किंतु क्रोध इस आत्मा की पुकार को पी जाता है। इसलिए अपने क्रोध पर वश रखें, कहीं ऐसा ना हो कि मूर्खता के कारण जन्मा ये क्रोध आपको पश्चाताप के अंत तक ले जाए। राधे राधे।